नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ चित्रा बड़ोलिया। बहुत जल्द ही जो है जम्मू कश्मीर में एनसी गवर्नमेंट जो है फॉर्म होने जा रही है और जहां पर लोगों के अंदर तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो भी अब जो है जनरेट हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगी कि कल रात को उमर अब्दुल्ला ने जो है LG मनोज सिन्हा के पास वो गए और वहां पर जो के है वहां पर पहुंचकर कर जो है उन्होंने अपना ज्ञापन जो है सौंपा उनको, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उनके तमाम तरह के जो MLA हैं अब वो बिल्डअप हो चुके हैं, जहां पर NC ने जो है हायर रेट्स में जाके जो है अपनी सीट जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो है जीती। और वहीं बात करूं, चार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अलग अलग क्षेत्र से खड़े हुए थे वो भी अब जो है NC के साथ खड़े हो चुके हैं। वहीं बात करना चाहूंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी, तो उन्होंने भी जो है NC के साथ अपना समर्थन दे दिया है और अब वो जो है NC एक लार्जेस्ट बिल्ड पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्ड हो चुके हैं। वहीं जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू में अभी भी जो है लोगों के अंदर आशंका है कि तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स है जम्मू के अंदर जो चल रहे थे, चाहे आर्टिफिशियल झील हो और भी तमाम तरह के जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है जो अभी भी चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, तो क्या NC जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी परिवर्तन लेके आएगी? जहां कश्मीर वैली में तो हमेशा से ही डेवलपमेंट देखने को मिलता था, लेकिन क्या अब जम्मू में भी इस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? क्या इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी यहां पर फॉर्म होंगे? और भी तरह तमाम तरह के अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है जरूर जो है आप कमेंट सेक्शन में साझे, और किस तरह से आप जो है जम्मू के अंदर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं वो भी जो है कमेंट सेक्शन में साझे। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।